दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप डेली नया नया कुछ सीख सकें। तिथि, लेकिन अब ये ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो भारी आफत आ सकती है। जैसे बिना हेलमेट पहले 200 रुपए लगते थे जो बढ़कर 1000 हो गए, साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले अधिकतम 500 रुपए जुर्माना था जो बढ़कर 5000 हो गया है। बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1000 था जो अब 2000 हो गया है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले मात्र 100 रुपए लगते थे, अब 500 रुपए का सीधा जुर्माना लगेगा। जयपुर में आज इसके लिए पुलिसकर्मी दिन में लोगों को समझाते नजर आए। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक को दोषी माना जाएगा। नाबालिग का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बने। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपए जुर्माना था, अब 1000 रुपए हो गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पहले 2000 जुर्माना था, अब 10,000 देना पड़ेगा। मोबाइल पर बात करते पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपए जुर्माना हो सकता है। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़कर 5000 हो गया है। बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 5000 था जो बढ़कर 10000 हो गया है। इमरजेंसी वाहनों को जगह न देने पर जुर्माना 10000 हो गया है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 रुपए जुर्माना था जो बढ़कर 5000 हो गया है। रेड लाइट जंप पर पहले 100 रुपए जुर्माना था जो बढ़कर कम से कम 1000 रुपए हो गया है। रेड लाइट जंप में दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10000 तक का जुर्माना लग सकता है। ड्राइव सेफ, बी सेफ, क्योंकि अगर हम रूल्स का पहले अपराध के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, वहीं दूसरे या तीसरे अपराध के लिए लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसके लिए पुलिस कर्मियों को किया गया है, गलती करने पर ड्राइवर को रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स कराया जाए। वहीं राज्य सरकारें बार बार ऐसे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कम्युनिटी सर्विस करने की सजा भी दे सकती हैं। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में मुआवजा राशि 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई है। 31 अगस्त की रात 12 बजे से नियम लागू हो जाएंगे, इसलिए 1 सितंबर को गाड़ी लेकर निकले तो नियम मानने में ही समझदारी है।